अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप सब प्यारे भाइयों का साथी। ये आप देख सकते हैं, हम आज जा रहे हैं सूरत इलाका पशद। यहाँ के बहुत सारी चीज़ें मशहूर भी है, बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि पशद यानि पुरअमन नहीं है या जो है ना ये वो है। माशाल्लाह बहुत पुरअमन जगह है, बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं यहाँ के। लोग जो किससे सुनते हैं, लोग जो डरते हैं तो वो इसी बाबे के बंदूक से डरते हैं। ये यहाँ पे जो है ना पहले बच्चों के साथ भी इसी तरह की बंदूकें हुआ करते और ये जो है ना जिस तरह वो कहते हैं ना कि ये असला है जो है ना ये मोमिन का जेवर है, तो यहाँ बहुत शौक से जो है ना लोग यहाँ असला रखते थे। अभी तो इतना वो नहीं रहा है असला का, लेकिन पहले जो है ना बहुत ज़्यादा शौक करते थे। पहाड़ियाँ देख रही हैं, ये जैतून के बाग हैं बाजोड़ के मशहूर। वैसे सदीक शाह मेरे भाई, ये जो रोड है ना मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि बहुत बेहतरीन जो है ना इधर का रोड जो है ना कारपेटेड रोड बना हुआ है माशाल्लाह। और ये भाई और इंशाल्लाह हमारा भाई कह रहा है कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त कारपेटेड रोड है, क्योंकि इसका दिल कह रहा है कि मेरा गाड़ी खराब नहीं हो जाएगी, इसलिए ये कह रहा है। खासकर ये रोड पे इसको खुशी इसलिए हो रही है। बाकी जो है ना आप देख सकते हैं ये पशद का जो है ना रोड है, तकरीबन ये सामने पहाड़ी जो है तकरीबन ऊपर वो बर्फ भी पड़ी हुई है साथ में, जो आप देख रहे हैं अगर जूम दिखा जूम करते कि उस तरफ को अफगानिस्तान है और इस साइड पे जो है बाजौल पशद का इलाका है। माशाल्लाह लोग बहुत प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और अभी बाजौल बहुत पुरअमन जगह है माशाल्लाह। ये पाकिस्तान आर्मी की वजह से और उनकी जो गलत लोग थे सारे जो है पाक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भी बहुत प्यार मोहब्बत से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा आते हैं पशद पर भी। हम तकरीबन 5-6 साल से जो ना रेगुलर हर अल्टरनेट वीक हम यहाँ आ जाते हैं, अपने काम पे ही आते हैं। लेकिन ये आप किसी भाई को जाना हुआ तो लाजमी आप पशद का विज़िट करें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। और अभी तो बहार आ रहा है इंशाल्लाह, फिर बहार में भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ के मौसम और यहाँ के जो फूल खिलते हैं वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो हाँ जी भाइयों, आप बाजौड़ पशद का बाज़ार स्टार्ट हो रहा, ये बिल्कुल जो है ना स्टार्ट में बाज़ार, ये यहाँ से जो है ना गाड़ियाँ भी मिलती है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप दूसरी गाड़ियों पे ये आप गाड़ियाँ दे सकते हैं माशाल्लाह। कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये गाड़ी है, रेता वाली ये फील्डर, ये आप इसमें जो है ना आप सफ़र कर सकते हैं और बहुत पुरअमन तरीके से एक लग्जरी कार में जो है ना ये आप देख सकते हैं। ये गाड़ियाँ जो है ना ये सब ये पैसेंजर के लिए गाड़ी है।
आगे भी जाएंगे आप तो वो पहाड़ का इलाका भी दिखाएंगे, वो बहुत खूबसूरत नज़ारे यार। यहाँ के चश्मा है बहुत मजबूत है, गब्बर का चश्मा है, वो भी बहुत खूबसूरत इलाका है, अगर टाइम मिला तो वहाँ भी ज़रूर जाएंगे। देख सकते हैं पशत का, यहाँ का जो खान है ये उसका किला है, बहुत तकरीबन 150-180 गज़ के यहाँ इसकी ये चौड़ाई, इसी तरह जो है ना चौकोर बना है, ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। ये आप देख जी भाइयों, ये आप देख सकते हैं, ये जूम करें थोड़ा, हाँ ये आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ से ये बिल्कुल दिख रहा है, ये आप इस चोटी पे जो है ना आप बाढ़ भी लगा हुआ है इधर, और ये जो है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है, बिल्कुल यहाँ से जो है ना आप देख सकते हैं। और जी ये इसे आप, ये आपको दिखाते हैं, ये गुलबेला इस जगह को कहते हैं, ये जो पश्तूर का नीचे पश्तों का मशहूर सांग है, वो पश्तों का बहुत मशहूर सांग है बखमनेर का, जो उसमें कहते हैं ओ प्या बरान वरीगी, प्या बरान वरीगी, पता मांचो ब्रज न चाहिस्ते दिना वखमाजी गर दे। ये आप देख सकते हैं और हर दर्द के नीचे एक एक चश्मा है यहाँ पर। यहाँ गर्मियों में आप को हम इंशाल्लाह यहाँ का विजिट भी कराएंगे और इधर आपको दिखाएंगे, गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त माहौल होता है इधर, 8-10 चश्मे हैं तकरीबन यहाँ पे, और बिल्कुल जो है ना Thank you.
जी भाइयों, आप देख सकते हैं याकूब खान चीना, ये जो आप चश्मा देख रहे हैं याकूब खान चश्मा के नाम से जो है ना, ये लोग जानते हैं इसको। ये चिनार हुआ करता था, और ये बहुत बड़ा सा जो है ना दरख्त हुआ करता था ये चिनार का, लेकिन अभी सूख गया। और ये नज़ारे वो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। साथ में ये छोटे छोटे हाथ बने हैं लकड़ी के, इसमें चाय और दूसरे खेती रखी मिलते हैं। और जी भाइयों, अभी हम वापसी कर रहे हैं।